प्राप्ति हुई। कहते उसी तरह श्रीमन महाप्रभु भी श्री रूप गोस्वामी के हृदय में कहते उन्होंने सब कुछ तत्वों को उन्होंने स्मरण कराया। इसलिए गुरुपाद पद्म कहते हैं ये प्रयाग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी का हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान को उनके हृदय में उन्होंने स्फुरण उन्होंने कराया है, सारे तत्व को स्फुरण कराया। इसलिए उसमें महाप्रभु कहते देख रूप, कहते जो भक्ति है ये एक रस समुद्र है, लेकिन ये रस समुद्र में तुमको एक मैं बूंद चखवा रहा हूँ, लेकिन उनके लिए तो एक बूंद है, लेकिन वो बूंद को लेकर उन्होंने क्या किया, पूरा भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को उन्होंने बूंद को एक ग्रंथ विशाल उन्होंने रस उन्होंने रूप की उन्होंने प्रदान की है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी, इसलिए श्री गुरुदेव कहते हैं अगर श्री रूप गोस्वामी अगर इसी जगत में नहीं आते, अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे जम कली रूप शरीर न धारत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरी को कौन उघारत। कहते अगर श्री रूप गोस्वामी कलियुग में नहीं आते, कहते जो प्रेम रस की जो महासमुद्र, कहते उस गुरुदेव कहते उसमें दो कपाट था, कहते ये कपाट को खोला किसने, बोले श्री रूप गोस्वामी। कहते उसमें दो कपाट है क्या चीज, बोले एक है श्री भक्ति रसामृत सिंधु और एक है श्री उज्ज्वल नीलमणि। ये जो दो ग्रंथ हमारी संप्रदाय में ये अनमोल ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी ने उन्होंने स्थापन किया। अभी श्री तीरथ महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे थे, कहते उन्होंने इनका नाम रूप मतलब सबका जो रूप प्रदान किया, बोले किसकी, बोले साधन कहते हैं किसको, भाव कहते हैं किसको, प्रेम का क्या डेफिनेशन है। लेकिन अभी अभी श्री वृंदावन में पता नहीं कितने कितने अलग अलग संप्रदाय निकल गए, अभी इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने भी एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम श्री उपदेशामृत है, बोले श्री राधा दामोदर की जय। इसलिए कहते श्री रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम कहते हैं श्री उपदेशामृतम। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये उपदेशामृत है क्या चीज, बोले ये उपदेशामृत जो सहजियाओं के लिए ये वज्र है, ये सहजियाओं के लिए ये वज्र है। अभी वृंदावन में ऐसे कुछ कुछ संप्रदाय हैं अभी अपक्व अवस्था में उनको बास उनको गोपी वेश दे देते हैं, अभी लड़का भी क्या करते हैं उनको सर पर कपड़ा ओढ़ करके गोपी रूप में घूमते रहते हैं, कुछ दिन बाद में वो गोपी और एक गोपी को साथ में ले लेता है और एक गोपी को साथ में लेकर के फिर दोनों गोपी हो जाते हैं, नहीं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने ये चीज को बहुत विरोध उन्होंने किया है। इसलिए उपदेशामृत ग्रंथ में जैसे क्लास 1, 2, 3, 4 जैसे रूप गोस्वामी पहले श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया अनथ निवृत्ति इसका जो उन्होंने क्रम दिखाया, इसलिए उपदेशामृत ग्रंथ में पहले बाच बेगम मनसह क्रोध बेगम जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम, पहले ये बेग को कंट्रोल कर पहले तुम, उसको बाद में भक्ति का प्रतिकूल चीज को छोड़ो, भक्ति की अनुकूल वस्तु को ग्रहण करो, उसके बाद में हृदय से अनर्थ दूर हो, फिर जा करके ये भावावस्था में जा करके कहीं ये भाव जो जीव का जो सिद्ध स्वरूप प्रकाशित होता है। अभी होने से पहले उनको गोपी वेश बना दिया, सखी नाम दे दिया, मंजरी नाम दे दिया, लड्डू मंजरी कचौड़ी मंजरी रसगुल्ला मंजरी नाम दे दिया, अपक्व अवस्था में समय नाम दे दिया, कुछ दिन बाद में क्या हुआ, वो तो उसका स्थिति है ही नहीं। कुछ दिन बाद में जब किया देखा कुछ नहीं हो रहा है, बोले श्री राधा दामोदर की, बोले राधा छैल चिकन की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी देखता है कुछ दिन बाद में कुछ नहीं होता है, और उन्होंने कहीं गौड़ी मठ इस्कॉन से गए, लेकिन देखते भैया वो चाय पी रहे हैं, ये भी बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, बोले भैया हमने तो ये सब चीज देखे ही नहीं गौड़ी मठ में इस्कॉन में, फिर ये सब क्यों करते गए। उसको बाद में क्या होता है, फिर कहता है भाई कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि तो तुम्हारी स्थिति है ही नहीं, वो कहाँ भावावस्था, अभी क्लास में तुम एडमिनेशन नहीं हुए हो, ए भी सीखे ही नहीं, अपने आप तुमको गोपी मानना शुरू कर दिया। फिर दूसरे क्या करता है सहज, बोले तू मेरे पास में आ जा, उसका मंत्र ठीक नहीं, तू मेरे पास में आ जा, जब आता है इस चीज को ध्यान से सुनो, अच्छे तरह से सुनो, नहीं तो भटकते रहोगे जिंदगी भर। फिर जब दूसरों के पास में जाता है फिर वो क्या करता है, फिर वो और एक मंजरी और एक सखी और एक नाम दे देता है, फिर तो बड़ा कन्फ्यूज हो गया, क्यों, अगर हमारी ये नित्य सिद्ध स्वरूप होता तो फिर ये अलग संपूर्ण रूप में उन्होंने अलग नाम कैसे दे दिया। फिर क्या होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर नास्तिक बनकर घर में वापस चले जाते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने ये सब चीज को प्रति उन्होंने बहुत सतर्कता बताए, कहते उन्होंने
बहुत उन्होंने सतर्कता बोले, इधर उधर भटकते नहीं गौड़ी मठ को छोड़ करके। इसलिए प्रभुपाद कौन है? बोले राधा रानी की नहीं ना मंजरी। और एक बात भी सुनो, और कुछ गोस्वामी लोग वृंदावन में वो क्या करते हैं, गोस्वामी लोग कहते नहीं हरिनाम जो दीक्षा है ना मंत्र, ये गोस्वामी के बगैर और कोई नहीं दे सकते हैं, केवल ब्राह्मण ही गुरु बन सकता है, और कोई गुरु बन नहीं सकते हैं, केवल ये ब्राह्मण ही गुरु बन सकते हैं। ये कुछ लोगों को भड़काते हैं। भैया नरोत्तम दास ठाकुर कौन से जाति में थे? रघुनाथ दास गोस्वामी कौन सा कुल के थे? जीव गोस्वामी कौन सा? ये सब कोई ब्राह्मण कुल के कोई थे? कोई थे ही नहीं ये कोई के सब के सब। इसलिए ये ऐसे और कुछ कुछ लोग भटकाते हैं। इसलिए नहीं, इसलिए जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई। इसलिए कुछ इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने ये सब चीज को उपदेशामृत ग्रंथ में उनने जीव को उनने सावधान कर, साधु सावधान इधर उधर भटकना नहीं तो डूब करके मर जाओगे दुख करके। इसलिए इनका नाम श्रीमन महाप्रभु ने इनका नाम रूप प्रदान किया है, क्योंकि हर चीज का उन्होंने रूप उन्होंने दिया है। इसलिए भावावस्था में जो लक्षण वो कहते हैं, शांति अभ्यर्थ कालतम विरक्ति मान सुन्नता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रति तद बसले। वो भाव का नल लक्षण उन्होंने बताए, ऐसे नहीं तो भाव हो गया गोपी बन गए, नहीं। रूप गोस्वामी का तो इतना आसानी नहीं, ये भाव का ये नौ लक्षण बताए। अगर उसके अंदर में ये नौ लक्षण दिखता है तभी उसको भाव समझो, ऐसे नहीं दो दिन का भाव दिखा करके कहीं चली गई। इसलिए साधु सावधान रूप गोस्वामी कहते हैं। इसलिए उन्होंने अद्भुत अद्भुत, इसलिए महाप्रभु इनका नाम रूप नाम रखा है, क्योंकि हर चीज का उन्होंने रूप प्रदान किया है। कहते श्रीमन महाप्रभु जो रूप गोस्वामी ने बताए, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आ करके जो उन्होंने अनर्पित चरिन चिरात करुण यावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग सभक्ति श्रियम। रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के लिए इन्होंने जो इस श्लोक को उन्होंने रचना किया है। महाप्रभु कौन है? जो प्रेम ब्रह्मा की एक दिन पहले दी गई थी, लेकिन दस कहते जिसमें 1000 चतुर्युग पहले जो दी गई थी, वो दुर्लभ प्रेम का आकर के श्रीमन महाप्रभु वो दुर्लभ प्रेम को उन्होंने प्रदान किया। भैया ये दुर्लभ प्रेम है क्या चीज? इसलिए हम लोग श्रवण कर रहे थे, हमारे जितने गोस्वामी लोग हुए एक चीज को प्रार्थना किया रूपानुगतों की। नरोत्तम दास ठाकुर वो क्या कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे हई बे आकोते कबे हम बोझ बसे जोगल पीरेते। रूप रघुनाथ पदे रहु कुमार आस प्रार्थना करे सदा नारोतम दा। ये भी रूपानुगो भक्ति मनोज ठाकुर क्या कहते हैं, सुनिया छे साधो मुखे बोले सर्ब जाना श्री रूप कृपाए मिले जोगल चर। ये सब के सब कहते रूप गोस्वामी के बगैर राधा कृष्ण की सेवा जीव को तुमको प्राप्त नहीं हो सकता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे रहु मरास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। ये सारे गोस्वामी रूप गोस्वामी का भाव में सबके सब तदात्म हो गए हैं, उनकी भाव में सबके सब उन्होंने मिल गए, और इनकी भाव को सबके सब प्रार्थना करते बोले भैया वो चीज है क्या चीज। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ये उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में ये चीज को वर्णना करते हैं। कहते भगवान की चार तरह का सखियां हैं, स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ और श्रुदिपक्ष। कहते चार तरह का उन्होंने सखियों की वर्णना किया है। कुछ सखियां होती हैं जो कि विपक्ष, विपक्ष मतलब जो कृष्ण पक्ष में है, बोले स्वपक्ष मतलब बोले राधा रानी पक्ष में, बोले तटस्थ मतलब राधा कृष्ण दोनों पक्ष में है। इसलिए कुछ ऐसे सखियां होती हैं जो कृष्ण कृष्ण को प्यार प्रेम करने वाले। अगर श्री राधा रानी कभी मान की ये लोग क्या कहते हैं, बोले ये जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये जौवन को क्यों बर्बाद कर, जाओ ना कृष्ण से मिलो। कहते ये लोग कौन है, बोले ये कृष्ण पक्ष है। लेकिन कुछ होते हैं कहते तटस्थ है, बोले तटस्थ कौन है, कहते ये ललिता विशाखा आदि ये तटस्थ पक्ष है। कहते इनकी भावना क्या है, बोले समभाव इनके अंदर में, इसलिए समभाव इनके अंदर में। ये भी हमारी उनकी भावना राधा कृष्ण दोनों एक ही है, बोले ज राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिंग दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम,
इनका भावना है एक ज्योति ही, वो दो रूप में श्री राधा गोविंद रूप में प्रकट हुए हैं इसलिए। लेकिन अगर उनको पल्ले में अगर तुला जाए तो इनका जो पल्ला, जो सखियों की जो पल्ला है, ये राधा जी की तरफ में थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन और एक पक्ष है जो राधा पक्ष है, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जिस जजने सजने भजे जेभावे सेवावे भजे आमी तो राधिका पक्ष पाती सदा कभू नहीं हारी तिकता की। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भले ही जो जिसको भजन करते हैं करने दो, लेकिन हम तो श्री किशोर जी की पक्ष में, राधा जी की साइड में। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ब्रज विपिने चंद्रे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते भैया रूपानुगत तो है क्या चीज, मदीसा नाथोते ब्रज विपिन चंद्रम। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते भाई रूपानुगत क्यों आते हैं, ये रूपानुगत में है क्या चीज। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अगर हमें पूछा जाए भैया कृष्ण के साथ में तुम्हारी क्या संबंध, बोले भैया कृष्ण से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारी मतलब तो श्री राधा रानी के साथ में। हाँ, इसलिए कृष्ण के साथ में हमारी संबंध है चूंकि श्री श्याम सुंदर हमारी राधा रानी की ये प्रियतम लगते हैं, इसलिए हमसे दूर संबंध है। लेकिन नजदीकी संबंध किसको साथ में, हमारी श्री राधा रानी को साथ में। इसलिए जो राधा पक्षीय जो सखियां जो होती हैं, प्राण सखी और नित्य सखी, कहते ये प्राण सखी जो नित्य सखी है वो केवल राधा की सुख में सुखी और राधा की दुख में दुख में। अभी यहाँ एक प्रश्न आता है, फिर ये क्या कृष्ण को नहीं चाहते हैं ये लोग, क्या कृष्ण नहीं चाहते केवल राधा को, राधा को चाहते, बोले नहीं। इसलिए श्री रघुनाथ दास को हम यही चीज को समझाए, एक उदाहरण दिया, जैसे कहते जो प्यारे के जो प्यारी हैं कहते उनसे दो गुना प्यारी है, और प्यारी के जो प्यारे हैं कहते वो चार गुना प्यारे हैं, लेकिन प्यारी के जो प्यारी है प्यारी के जो प्यारे हैं को तो आठ गुना प्यारी है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे अगर राधा रानी कहते भैया कृष्ण के साथ में क्या संबंध, उनका प्रियतम है, राधा जी में जितना प्रिय है कृष्ण के प्रति उसका डबल प्रिय है, लेकिन कृष्ण में जितना प्रिय राधा रानी में उससे चौथा गुना प्रिय, लेकिन राधा जी में जितना प्रिय है उससे आठ गुना प्रिय किस में है, कृष्ण में। यही रूपानुगत्व, यही अनर्पित चरिंचिरात, यही प्रेम है। इसलिए ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आ करके राधा जी की अनुगत्य में रह करके जो श्याम सुंदर की सेवा है वो सर्वश्रेष्ठ सेवा है, जिसके लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, और श्री रूप गोस्वामी आसानी से जिस प्रेम को हमें प्रदान किया, यही रूपानुगत है। इसलिए हम श्री रूप गोस्वामी की श्री चरण में आए हैं, इनसे प्रार्थना कर, तीर्थ महाराज एक अच्छी बात बता रहे थे, ये चीज बहुत दुर्लभ वस्तु है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन रूप गोस्वामी इसका कैसे उसको प्राप्त कर सकते हो, श्रद्धा से लेकर के ये रूप गोस्वामी का विशेषत्व, इन्होंने धीरे 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 वो प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हो। और गुरुदेव कहते थे देखो जब तक तुम कोई लक्ष्य नहीं करोगे ना उसको पाने के लिए चेष्टा नहीं करोगे, उसको पाने के लिए चेष्टा नहीं करोगे। देखो और एक चीज है, कुछ कुछ अभी ये बाबा जी लोग हमारी गौड़ वैष्णव को भड़का रहे हैं, बोले क्या, बोले तो छिबड़ा चिपसते हैं, ये तो छिबड़ा पी खाते हैं, ये तो रस की कथा नहीं सुनाते हैं, वो बोलते रस की, ये चीज को समझो। इसलिए ये रस ग्रंथ गोस्वामी ने प्रकाशित किया, इसलिए जानने के लिए, इसलिए गुरुदेव कहते थे, इसलिए हमारे गुरुदेव को कोई उल्टा पुल्टा बोलते, अरे नारायण महाराज तो रागानुगा रागानुगा, अरे कहते अगर ये चीज को नहीं समझोगे ना, अभी बहुत सारे लोग हमारे गौड़ीय मठ इसको छोड़ करके सब बाबा जी में जाते हैं, अगर ये चीज को हम नहीं समझेंगे ना फिर तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए हमें जाननी चाहिए, प्राप्त तो किसी जीवन में करेंगे, लेकिन चीज को ग्रंथ पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो फिर इधर उधर भटकते रहोगे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी चरण में हम प्रार्थना करते हैं, वे हम सबको ऊपर में कृपा किए, वो जो चीज को देने के लिए आए एक दिन जैसे वो चीज में हमारे लोग हो और एक दिन लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। वंशा कल्प दुर्भस कृपा सिंधु हरे कृष्ण। आप लोगों ने श्री सिद्धार्थ जी से श्रवण किया, ये महाराज जी रूप के ऊपर बहुत जोर दिया, और सबका रूप रूप गोस्वामी ने प्रकाश किया। रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में कहा गया, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् ददाति स पदांतिकम्। ये मनोभीष्ट क्या है, ये जो पारकीय भाव है जिसको अंग्रेजी में पैरामोर वुड कहते हैं। रूप गोस्वामी
समस्त ग्रंथ वेद वेदांत सबसे लेकर के इसका प्रमाण करके दिखाया। जब गुरुदेव हम लोगों को भक्ति गोस्वामी सिंधु पढ़ाया था उसमें दिखा रहे रूप गोस्वामी साधक को शिक्षा दे रहे हैं कैसे प्रार्थना करना चाहिए। एक है संग प्रार्थनात्मिका दैन बधिका और लालसामयी। संग प्रार्थनात्मिका जो प्रार्थना कैसे करनी है, युवतीनांग यथा जूनौ जूनिंच युवतौ यथा मनो अभिरमते तद्वत मनो अभिरमतांग तयी युवतीनांग यथा जूनौ। एक युवक के प्रति एक युवक, युवक के प्रति युवती या युवती के प्रति युवक जैसे आसानी से आकर्षित हो जाता है, हे प्रभु मेरा मन भी आपके चरण में इसी रूप में आकर्षित हो जाए। तब गुरुदेव ने बताया युवक युवती का तात्पर्य क्या है। युवक है ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण, युवती है कृष्ण के प्रेयसिया उनमें सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका। फिर गुरु जी कहते हैं जैसे एक युवक एक युवती को आसानी से आकर्षण कर सकते हैं लेकिन एक बूढ़ी का आकर्षण नहीं कर सकते, एक युवती एक युवक को आकर्षण कर सकते हैं एक बूढ़े का आकर्षण नहीं कर सकते, उसमें ऐसे क्या चीज है। वही पारकीय भाव है, इस जगत में कोई पारकीय भाव नहीं है, ये केवल कृष्ण के ब्रज में ही है और कहीं नहीं है। फिर ये अब दैनवधि का मत्तुल्लो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे पी मे लज्जा किंग ब्रुवे पुरुषोत्तम। करे अहो प्रभु पुरुषोत्तम आपको क्या कहूँ, मेरे समान कोई पापी और नहीं है न अपराधी है जगत में, मैं आपने किससे कहूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये कहने भी मुझे शर्म लगता है, अपने मुख से उच्चारण नहीं कर सकता। तो इसलिए कह रहे हैं रूप गोस्वामी के ऐसे थे नहीं, वो क्या कह रहे हैं हमें सिखाने के लिए ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। रूप गोस्वामी तो महाप्रभु के नित्य सिद्ध परिकर हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र, प्रेम पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं, ऐसे रूप गोस्वामी भी ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं, इससे अधिक नहीं। अब प्रश्न होता है रूप मंजरी के रूप में, और रूप मंजरी के रूप में कृष्ण के साथ आएंगे लेकिन रूप गोस्वामी के रूप में महाप्रभु के साथ एक ही बार आएंगे। फिर लालसामयी में बता रहे हैं कदाहंग यमुना तीरे नामानी तव कीर्तयन उद्वास्प पुंडरीकाक्षं रसई स्वामी तांडवम। ऐसे मेरा दिन कब होगा। फिर बताए कया कदा गंभीरया बाचा श्रियाजुक्त जगतपति चामर बैगडम मामा भी कुरुवसी। ऐसा दिन कब होगा, जुगल के सर बैठे रहेंगे मुझे कहेंगे थोड़ा चामर व्यजन कर देना। तो इसी का लेकर के श्री दास गोस्वामी कह रहे हैं भजन करते करते समाधिस्थ हो गए, कह रहे हैं श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र न भुजार्पित मस्त काया हा कनक गौरी पदार बिंद संग बहना निशन कई तब किंकरिस से। बोले ऐसे दिन कब होगा रूप गोस्वामी रूप मंजिर के रूप में श्रीमती राधा ठाकुर चरण संवाहन कर रही हैं और राधिका कृष्ण के गोद में सिर रखकर लेटे हुए हैं। दास गोस्वामी ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं समाधि के रूप रति मंजरी के रूप में। रूप मंजरी समझ गई, बोले रति इधर आ तू चरण सेवा कर, मैं दूसरी सेवा कर रही हूँ, चामर लेके भजन करने लगे। ऐसी सब लालसामयी प्रार्थना और इसमें दिखाया जब गुरु जी हम लोग को पढ़ाया था एक है स्मर्तव्य सततो विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधा सुरतयो रेव किंकरा। बताए स्मर्तव्य सततो विष्णु, सब समय विष्णु को स्मरण करना है। विष्णु कौन है, व्यापनोति इति विष्णु, तो कौन विष्णु, मत्स्य विष्णु ना कुर्म विष्णु। बोले नहीं, विक्रीडितम ब्रजवधुवी इदंच विष्णु, जो ब्रजवधु के साथ विशेष रूप में क्रीड़ा करते उन विष्णु के लिए कहा गया है। तक ये संभव है कि चक्र ठाकुर कह रहे नहीं, ये स्मर्तव्य सतत सततम अर्थात नतु प्रतिक्षणम बा प्रतिदिनम, प्रतिदिन स्मरण करना है, प्रतिक्षण साधक शरीर में रहते हुए संभव नहीं। ये सब सुंदर विचार रूप गोस्वामी इसमें दिखाया। अब मैं श्री रामचंद्र प्रभु से अनुरोध करता हूँ कि रूप गोस्वामी चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें। सब पाँच मिनट बोलेंगे अब श्री रामचंद्र प्रभु, उसके बाद नरसिंह महाराज, धीर कृष्ण प्रभु, शांत महाराज, रोहिणी नंदन प्रभु, रमेश प्रभु, सब लोग बोलेंगे 5-5 मिनट।
अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षं उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तं वरं वरेण्यं पृष्ठ महांतं नारायणं तमाम शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य नंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त दंडी स्वामियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, उपस्थित वैष्णव वैष्णवों के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम। जब रामचंद्र दास की बारी आई तो 5 मिनट हो गए। वो कहते हैं वैष्णव अपराध मत करो, अब यहीं से ही शुरू होगा अपराध। जब 5 मिनट से ऊपर बोलेंगे तो अपराध तो शुरू होगा यहीं से ही। चलो जिंदगी भर करते आए तो आज राधा दामोदर जी के सामने भी और अपराध कर देंगे क्या, थोड़ा वैष्णव को उल्लंघन कर देंगे। गुरु महाराज जी यहाँ आते थे, हम सबको लेकर आते थे। कितने स्मरणीय दिवस, समाधि रूप गोस्वामी जी की समाधि पे बैठकर रूप गोस्वामी जी का स्मरण करते थे, ये भजन गवाते थे, ये सब थे में मुझे भोगना पड़ रहा। यम कली रूप शरीर न धारी, और गाने वाले हमारे कृष्णदास प्रभु जी, वो भी बेचारे अभी बीमार पड़े हुए हैं। मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ ताकि वो जल्दी यहाँ ठीक हो जाए। हमको रूपानुगा बनाने का एक भाव दिया गुरु महाराज जी ने। मैं रामचंद्र दास, ये वो दास हुआ करें, लेकिन हम अब सब मिलकर एक ही थैली के चट्टे बट्टे क्या हो गए, रूपानुगा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ये रूपानुगा का भाव गुरु महाराज जी ने दिया। रूप जी से हमारी करीबी बढ़ाई, नज़दीकी बढ़ाई। जब वो महाप्रभु जी के साथ आए, रूप गोस्वामी जी के साथ हमारी नज़दीकी बढ़ाई, और जब वो राधा जी की सेविका बनकर सेवा कर रहे हैं तो रूप मंजरी के साथ हमारी नज़दीकी बढ़ाई। कैसे नज़दीकी बढ़ाई, कथा सुना सुना के। यम कलि रूप शरीर ना धरत, अगर रूप ने शरीर ना धरा, मतलब रूप मंजरी में तो वो राधा जी की मंजरी है ही है, लेकिन महाप्रभु जी के लीला में वो रूप गोस्वामी का शरीर धारण करके जो आए, तो उस समय उन्होंने इस ब्रज के प्रेम की जो एक बहुत बड़ा खजाना था उसका दरवाजा खोल दिया। तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरत, कौन कपाट उघारत, कौन खोलता उसको। ये वो प्रेम है जो अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है। झिलमिलाते हुए इसमें तरह तरह के चमकते हुए ज्वेल्स पड़े हुए हैं। सख्य भाव, वसल्य भाव, माधुर्य भाव, ब्रज का प्रेम, वो प्रेम जिस प्रेम के टॉप मोस्ट शिखर पे राधा जी की ये रूप मंजरी एकदम तरह तरह की सेवाओं में संलग्न है। वो वाला प्रेम हमको महाप्रभु जी देने के लिए आए। गुरु महाराज जी बोले कौन सा प्रेम देने के लिए आए, जिसमें रूप मंजरी राधा जी की सेवा करने में संलग्न है। अनर्पित चरिम चिराद करुणा अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम, यहाँ तक तो नहीं, स भक्ति श्रियम, अपने भक्ति की श्रीय। ये चीज खुद रूप गोस्वामी जी अपने इस श्लोक में लिख रहे हैं। वो श्रीय क्या है,
राधा जी की पाली दासी, राधा जी की सेविका, ये वाला भाव, ये मंजरी भाव रूप गोस्वामी जी हमें देने आए। उसके लिए रूप गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से प्रेरणा प्राप्त की। भक्ति रसामृत सिंधु लिखा तो पहला श्लोक में लिख रहे हैं कि मैं महाप्रभु जी से प्रेरणा लेता हूँ। तो गुरु महाराज जी तो एक दिन बोल पड़े थे अपने रूप सनातन कोड़िया मठ में कि ये तो राधा जी की मंजरी है, रूप मंजरी है, इनको महाप्रभु जी से प्रेरणा लेने की क्या जरूरत पड़ गई। महाप्रभु जी कृष्ण हैं, वो तो खुद रूप मंजरी के आगे चरणों में पड़ते हैं कि मुझे राधा जी से मिलाओ। लेकिन महाप्रभु जी राधा जी के भाव में आ गए हैं, अब वो राधा जी के भाव को ग्रहण करना चाहती हैं, उसमें भी उन्हें रूप मंजरी की सहायता चाहिए। तो फिर उन्होंने किस तरह की प्रेरणा प्राप्त करके ये ग्रंथ लिखे, तो खुद गुरु महाराज जी ने उसका कारण बतला दिया, उदाहरण बतला दिया कि जैसे भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं तो गुरु धारण करते हैं, ऐसे ही उन्होंने ये बतलाया कि अगर रूप मंजरी भी कुछ लिखने लगेगी तो उसको भी किसी की प्रेरणा की जरूरत है। वो किसकी प्रेरणा चाहिए? वो महाप्रभु जी की प्रेरणा, उससे भी खाली काम नहीं चलेगा। फिर जितने भी वैष्णव हैं उनकी उनकी भी प्रेरणा चाहिए, उनकी भी कृपा चाहिए। फिर होगा क्या, फिर होगा क्या? देखिए यहाँ लोग वैष्णव लोग बैठे हुए हैं, मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ, महाराज जी सुनो मेरी बात को ध्यान से। रामचंद्र ये विचार श्री राधा गोविंद जी के मंदिर में, राधा दामोदर जी के मंदिर में ठीक नहीं है तो काट फाड़ देना। हमारे रूप मंजरी राधा जी की सेवा में लगे हुए हैं और तरह तरह के भावों की लहरियों को आस्वादन करते हैं। मदनख्य महाभाव राधा जी का महाभाव है और उसी महाभाव से चिपकी हुई है हमारी रूप मंजरी, और उनको इससे अलावा कोई दूसरा विचार ही नहीं आता। लेकिन वही रूप मंजरी रूप गोस्वामी बनकर आए तो महाप्रभु जी ने कहा इन सबको लिख दो, इन सबको भाषा दे दो, इन सबको ग्रंथ में ले आओ। अब इतने ऊंचे विचार जो कि गूंगे का गुड़ भाई होते हैं, गूंगे का गुड़ भाई समझते हो, एक गूंगा गुड़ खाता है उससे पूछो कैसा है इसका स्वाद तो वो कह सकेगा? वो कह नहीं सकेगा। राधा जी के संग मंजरियां जो सेवा कर रही हैं, राधा जी के भाव को जो वो आस्वादन करती हैं, वो सारा का सारा मंजरियां आस्वादन करती हैं, उसको भाषावित करना कोई सरल काम है? उसके लिए उन्हें प्रेरणा लेनी पड़ी। किसकी? चैतन्य महाप्रभु जी की। कि वो जो बड़ा सख्त काम है, वो जो बड़ा अद्वितीय अद्भुत और असंभव कार्य है, उस कार्य को वो सारी की सारी चीजें लिखी लिपिबद्ध कर दें कि किस तरह से एक भक्त श्रद्धा से लेकर भाव और भाव के बाद प्रेम और फिर महाभाव तक जाता है और हर चीज को परिभाषित कर दें, ये भी एक कला है। तो रूप गोस्वामी जी ने उस कला को प्रकट करने के लिए, रूप मंजरी ने उस कला को प्रकट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु से प्रेरणा प्राप्त की और ऐसी परिभाषाएं लिख दी, ऐसी परिभाषाएं लिख दी जिसका कोई साणी नहीं, जिसका कोई मैच नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं। और हमारे गुरु महाराज जी ने बतलाया कि इन सब परिभाषाओं को आत्मसात करना यह रूपानुग होना, जो उन्होंने ये बातें बतलाई हैं उसको आत्मसात करना यह रूपानुग है। रूप मंजरी के साथ वो रूप मंजरी के रूप में वो जो राधा जी सेवा करती है उस भाव को आत्मसात करना ये रूपानुगा है। और इसलिए उन्होंने रूप सनातन कोड़िया मठ बताया। जैसे ही आप अंदर घुसोगे पहले रूप गोस्वामी जी की बड़ी सुंदर छवि है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सब पदांतिकम। और ऊपर चले जाओ तो वहां पे सेवा कुंज है, वहां पे वही रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी के रूप में बड़े सुंदर ढंग से श्याम रानी दीदी के द्वारा पेंट कराए गए हैं। तो ऊपर रूप मंजरी है, नीचे रूप गोस्वामी जी हैं, दोनों को हम आत्मसात कर ले हम रूपानुगा हो जाएंगे। गौर प्रेमानंदे हरी हरी हरी। ठीक है, हरे कृष्ण नरसिंह महाराज सब पांच पांच मिनट। मेरे कितने मिनट हुए?
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं मदीय दीक्षा गुरुदेव शिक्षा गुरुदेव नित्यलाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्री श्रीमद भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज नित्यलाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात श्री माधव महाराज तीर्थ महाराज श्रीधर महाराज शांत महाराज सभी महाराज जी के चरणों में मेरा यथोग्य प्रणाम। सभी उपस्थित भक्त वृंदा सभी के चरणों में मेरा यथोग्य प्रणाम। आज बड़ी ही शुभ तिथि है। आज हमारे महाप्रभु के मनोभीष्ट संस्थापक गोविंद देव के पुनः प्रतिष्ठाता श्री रूप गोस्वामी पाद की तिरुभाव तिथि है। हम लोग उनके भजन स्थली और समाधि स्थली में श्री राधा दामोदर मंदिर में और श्री इस राधा दामोदर सेवा एक श्री निर्मल चंद्र गोस्वामी उनके बेटे लोग कन्या गोस्वामी जो बहुत ही अच्छे राधा दामोदर की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की भी समाधि, गुरुदेव उनको बहुत प्यार करते थे बच्चों कन्या गोस्वामी जी को, और बहुत सुंदर रूप से राधा दामोदर की सेवा हमारे रूप गोस्वामी यहाँ जीव गोस्वामी पाद के ठाकुर जी सब यहाँ विराजमान हैं। हमारे रूप गोस्वामी की समाधि यहाँ पर उन्हीं के समाधि में आज के दिन यहाँ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने भी यहाँ भजन किए और जगत में जो विश्व में सभी प्रचार किया सब उन्हीं की कृपा रूप गोस्वामी की। वो रूप गोस्वामी कौन थे जो मूल रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को पहली बार मिले, महाप्रभु स्वयं जिनको मिलने गए, चैतन्य महाप्रभु वो नहीं मिले, महाप्रभु जिनके लिए स्वयं कहाँ पर बंगाल के बॉर्डर में रामकिली ग्राम में महाप्रभु जी संन्यास लेके वृंदावन में आना था। वृंदावन आने से पहले महाप्रभु सीधा रामकिली ग्राम चले गए और वहाँ पर जाकर क्या बोला, बोले अब मैं आपको खोजने के लिए आया हूँ, आपके लिए मैं और उसका कोई कारण नहीं है, रूप गोस्वामी के लिए। उस समय उनका नाम था दबीर खास। जिस समय में वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु के पीछे पीछे लाखों लोग थे तो महाप्रभु वहाँ पर जो हुसैन शाह बादशाह था उन्होंने पूछा कि भाई कौन है, एक खत्री थे उनके महा एक राजा के सेवक ने, राजा ने पूछा कि ये कौन सन्यासी है, भिखारी है उनका ऐसे ही घूम रहे उनको क्या, उसने तो टाल दी बात। तब दबीर खास मतलब रूप गोस्वामी को पूछा राजा ने हुसैन शाह बादशाह ने कि भाई ये कौन है, बोले जिनको तुमने राजा बनाया वही ये है, जिनके कृपा से तुम्हारे राज्य में आए वही है। हाँ तब राजा का ये तो कोई साधन नहीं होता, वो स्वयं ईश्वरी हैं। हाँ बोले तो ये राजा तो ईश्वर का अंश होता है, तुम जान सकते हो। रूप गोस्वामी ने भी टाल दिया, इंगित में बता दिया। तो वो रूप गोस्वामी जिस समय महाप्रभु वहाँ पर उनको मिलने गए तो उनका नाम दबीर खास और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी का नाम साकर मल्लिक था। तो महाप्रभु ने कहा तुम्हारा नाम आज से रूप और सनातन, महाप्रभु ने पहले उनका नामकरण कर दिया। वो रूप गोस्वामी जो महाप्रभु के कितने कृपा पात्र हैं और महाप्रभु जी कितने उनको प्रीति करते हैं, जब वहाँ से छोड़ करके महाप्रभु का दूसरा मिलन प्रयाग में हुआ, प्रयाग में जब रूप गोस्वामी आए तो महाप्रभु जी का आकर दंडवत प्रणाम कर लें और कितना दैन्य है। महापुरुष कहते हैं और महापुरुष के भक्त लोग कहते हैं कि रूप सनातन के द्वारा दैन्य सिखाया कि कितने इतने विश्व उस समय में और अभी तक उनके जैसा कोई विद्वान पंडित जिनका कृतित्व है उसके जैसा कोई भी नहीं है। और वो रूप गोस्वामी इतने दैन्य, महाप्रभु बोलते नहीं नहीं नहीं, महाप्रभु को दंडोत प्रणाम करते, महाप्रभु को उठाया गले लगाया, नहीं 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 नहीं, वही बताया कि मत तुल्य नास्ति पापात्मा ना अपराधी न कश्चन, मुझे ये मेरे जैसा पापी और अपराधी भी कोई नहीं है, मुझे बोलने भी क्षमा आती है, ऐसे दैन्य महाप्रभु बोले इतना दैन्य मत करो, मेरे हृदय फट जाता है तुम्हारे जैसा इस जगत में ऐसा तुम्हारे जैसा, क्योंकि बोला मैं नीच जाति नीच संगी नीच कर्मी, मैं नीच जाति मैं नीच मैंने मुसलमानों के राज में मुसलमानों का संग करता हूँ, नीच संगी हूँ, नीच कर्म मुझे राजकाज करना पड़ता है, नीच कर्मी हूँ, तो इस प्रकार मैं आपसे योग्य नहीं हूँ। कि महाप्रभु नहीं नहीं, वहाँ उस समय वल्लभाचार्य वहाँ पर प्रयाग में जिसमें भेंट हुई
तो देख करके वो बोले ये क्या बात है, और इनके जैसा विद्वान, और ये कहता कि नहीं 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 मुझे, जब उनको भी महाप्रभु ने कहा इनको प्रणाम करो वल्लभाचार्य को, तो उनको जब प्रणाम किया तो वो दंडवत प्रणाम कर रहे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य उनको आलिंगन करने जाते, वो पीछे पीछे हट रहे, नहीं 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 मुझे आलिंगन मत करो। तो इतने महापुरु के प्रिय परिकर होकर के भी इतने दैन्य उनके अंदर, इतनी दीनता, बोले महापुरुष कहते मेरा हृदय फट जाता है तुम्हारा दैन्य से। तो महापुरु के इतने प्रिय कृपा पात्र रूप गोस्वामी, उन्होंने क्या किया, बोले यम कलि रूप शरीर न धारत, ये ब्रज प्रेम की जो महानिधि, जो कप निधि है ब्रज प्रेम की महानिधि, क्या कहते कि वृंदावनियाम रस केली वार्ताम काले न लुप्ता निज गुप्त वित्ताम संचार्य, जो वृंदावन की रसकेली वार्ता थी काल के प्रभाव से लुप्त हो चुकी थी, वो सब महापुरु ने रूप गोस्वामी के अंदर पूरी संचारित कर, 10 दिन तक प्रयाग में रह करके महापुरु जी ने उनको कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व सार सब सिखाए ल प्रभु भागवत सिद्धांत। जितने रस तत्व, भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व जो हम लोग देखते हैं रूप शिक्षा में, वो सब महापुरु उनके अंदर, जैसे ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की थी, उसी प्रकार रूप गोस्वामी के अंदर महापुरु ने कृपा करके उनके अंदर सब तत्वों को भरा दिया। और वही रूप गोस्वामी ने इस ब्रज में आकर के उसको उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसाम सिंधु उपदेशामृत आदि ग्रंथों के द्वारा सभी लिख करके पूरा उस कपाट को ही उगाड़ दिया, बोले ब्रज प्रेम का कपाट क्या खोल दिया महाप्रभु के मनोभिष्ट पूर्वक। महाप्रभु जो जिस प्रेम को प्रक्रिया भाव को देने के लिए, उन्नत उज्ज्वल रस को जिस देने के लिए आया था, इस ब्रज में इसको लोग भूल चुके थे, उसको फिर से महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के अंदर प्रेरणा करके शक्ति संचार करके उनको रसाचार्य के, वो स्वयं है रसाचार्य, उनको रसाचार्य बना करके उन्होंने इस ब्रज में जो ब्रज का प्रेम को महानिधि में जो कपाट था प्रेम का, जो ब्रज प्रेम का जो गुप्त बात थी, वो सब के सामने कपाट ही खोल दिया। बोले कपाट में सब ब्रज निधि होती है, विशेष निधि होती है, उसको बंद किया जाता है ना, और रूप गोस्वामी ने क्या किया, उसका कपाट खोल दिया, लूटो लूट लो जाए इच्छा हो तो। तो इसलिए कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, मूल्यम क्या है लौल्यम एकलम कोटि सुकृत जन्म न लभ्यते। बोले ये ब्रज कृष्ण रस भाविता मति, अगर कृष्ण रस भाविता ये कृष्ण जो प्रेम है उसको कहीं किसी के चित्त में अगर आपको लेना है तो उसको क्या मूल्य है। बोले एकमात्र लौल्य मने उसकी लालसा होनी चाहिए कि हमको प्राप्त करना है। तो ये ब्रज प्रेम की जो निधि है रूप गोस्वामी ने, हमारे गुरुवर्गो ने, हमारे श्री भक्तिवेदान नारायण गोस्वामी महाराज ने, वो रूपानुगाचार्य है, उन्होंने इस रूप गोस्वामी के अनुगत्य में ब्रज में और पूरे विश्व में इसको ब्रज देश की जो प्रेम है उसको उड़ाल दिए हैं। उनके हम जन्म जन्मांतर ऋणी रहेंगे, यही उनके आचरणों में प्रार्थना वंशा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु देव हरे कृष्ण। हमारे बीच में गोकुलचंद प्रभु विधर आ जाए, आप लोग एक निवेदन करता हूँ। गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर सबसे पहले गौड़ीय मठ कलकत्ता बाग बाजार में प्रतिष्ठा किया था, उसी पर स्थान पर विश्व के सबसे पहला महाप्रभु का म्यूजियम उधर बन रहा है। उनका इनोग्रेशन कल 3 बजे से शाम को शुरू होगा, हमें उनमें जाना पड़ेगा। मैं उन लोग बहुत अनुरोध किया था, वो लोग सब गौड़ीय मठ में स्थिर करके मेरा नाम उधर वक्ता के लिए रखा, इच्छा न रहने पर भी जाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग आशीर्वाद करें, मैं गुरुवर्ग की जो वाणी है उसको उस ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उसमें मैं वर्णन कर सकूं, ये आप लोगों के आशीर्वाद से संभव है। फिर मैं 14 को फिर दोपहर तक आ जाऊँगा वापिस। अब मैं श्री शांत महारि से अनुरोध करता हूँ 5 मिनट, इसके बाद रमेश प्रभु, धीर कृष्ण प्रभु, राम रोहिणी नंदन प्रभु, गोकुलचंद ये सब बोलेंगे 5 मिनट। रवि गौरचंद्राय राधिका ईतदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गुरु गौरांग राधा रमन बिहारी की जय।
राधा दामोदर जी की, राधा गोविंद देव की, राधा गोपीनाथ की, गौर प्रेमानंदे। गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज गुरुपाल में गुरुवर गुरुवर्ग के चरण कमल में यथार्थ दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्यवाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी, पूज्यवाद भक्त माधव महाराज, पूज्यवाद श्रीधर महाराज, नरसिंह महाराज, सभी वैष्णव सज्जन भक्तों के चरण में यथार्थ को दंडवत प्रणाम सीता। आज श्री रूप गोस्वामी की विरह तिथि है, यानी आज यानी इसी तिथि का अवलंबन करके हम सब लोगों को छोड़ करके चले गए। लेकिन इस जगत में उन्होंने जो चीज दिया है उनका जैसा नाम है ऐसा काम भी है। अभी हमने पूर्व वक्ताओं के मुख से सुना है सभी का रूप दिया है। भगवान को कोई कहते हैं कि वो निराकार है, निरंजन, उनका कोई रूप नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो सेनापति यानी पूज्य तीर्थ महाराज जो सेनापति हैं कमांडर, उनके द्वारा भेजा गया, उन्होंने शिक्षा दिया, खुद ही पढ़ाया लिखाया। और इस जगत में जो भगवान का जो रूप है, अगर रूप नहीं होता तो यहाँ राधा दामोदर के हम कैसे दर्शन करें, उनके हम आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, तो कैसे वो निराकार है। निराकार यानी जिनके प्राकृत तो आकार नहीं है, इसलिए निराकार कहा। जैसे सालोग्राम है वो तो देखने में पत्थर है, फिर भी उनको ब्राह्मण वैष्णव लोग पूजते हैं, तो पूजा क्यों, क्योंकि वो पत्थर होते हुए भी क्या है, साक्षात नारायण है। अगर ये बुद्धि नहीं है तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भगवान का हम पत्थर देखेंगे तो भगवान का दर्शन नहीं होगा, अगर भगवान देखेंगे तो पत्थर नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा। इसलिए ये सब विचारों को जानना होगा, ये साधु संग ही है, विचार हम समझ सकते हैं। तो आज जो शास्त्र में तीन तत्वों के बारे में बताया, संबंध, अविधेय और प्रयोजन, तो संबंध के आचार्य है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी है अभिधेय के आचार्य, और रघुनाथ गोस्वामी है प्रेम के आचार्य तत्व। तो यानी संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तो हमारे साथ भगवान का क्या संबंध है। तो गुरुवर्ग ने सिखाया कि भगवान के हम दास हैं और वो मेरे प्रभु। अभी हमारे पूज्य श्रीधर महाराज भी बताया कि देखो हम कृष्ण के बहुत प्रकार के सखियां हैं, है ना, पक्ष विपक्ष, तटस्थ पक्ष, सुहृद पक्ष की बात है। तो इस प्रकार ये सब भावों को हम जब साधु संग में भजन साधन करेंगे तभी हो संभव होगा। अगर भजन साधन नहीं करेंगे, आई 5 मिनट नहीं हमारे, थोड़ी देख रहा हूँ वो सामने, अच्छा अच्छा आरती सर, तो बस 2 मिनट जय श्री ठाकुर जी। अच्छा तो कथा तो आप भी रूप सनातन में भी कथा चलेगी, कोई बात नहीं। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने तो ये सब विचारों को प्रकट किया है, तो जल्दी जल्दी इस गोपी भाव की मंत्र लेकर के हम जल्दी पहुंच जाएंगे गुरु वैष्णव को छोड़ करके। बंगाली में बोलते हैं ना, घोड़ा डिए घास खाओ, है ना, यानी बड़ों को कभी अतिक्रम करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बड़ों को हमेशा आदर करना चाहिए और उनके छत्र छाया में रहने से, अंडर गाइडेंस गुरु वैष्णव के चरण में रहने से तभी हमारा कल्याण होगा। मैं गुरु महाराज बमन गोस्वामी महाराज एक बात बता देता हूँ, वो कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, जब तक ये अभिमान हम नहीं छोड़ पाएंगे, तब अपराकित तो मदन मोहन जो कामदेव भगवान कृष्ण है उनकी सेवा करना संभव नहीं है। तो गुरु वैष्णव के छात्र छाया में रहेंगे, हरिकथा श्रवण करेंगे, उनकी शासन को स्वीकार करेंगे, तभी जा करके हो पाएगा। वंशा कल्पतरुभस्य कृपा सिंधु पतितानां पावने भो विष्णुः। अभी आरती होगी राधा दामोदर की।
हम तो चाहते हरी कथा हो लेकिन टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन ठाकुर जी के आगे भी पूजा उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खड़े चाहे दर्शन पाँच मिनट नमस्ते गुरुदेवाय श्रीरूपाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणति नामिने नमो महामदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदमह्यं ददाति स्वापदंतिकम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म लीला कृष्ण श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मंचस्थ समस्त दृंदिपादगण वैष्णव माताएं बहने, बोलने को बहुत कुछ है किंतु समय संक्षेप है, फिर भी एक बात जिसको आज हमारे श्रीधर महाराज जी ने भी आप लोगों को सावधान करने के लिए कहा था कि रूप गोस्वामी पाद जी ने सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए इसकी पूरी प्रणाली दी है, और वो प्रणाली प्रारंभ होती है आदौ श्रद्धा तत् साधु संग ततो भजन क्रिया ततो नर्तन निवृत्ति, कि किसी पूर्वजन्म की सुकृति के बल पर, कोई पूर्वजन्म का अज्ञात साधु संग आदि के बल पर श्रद्धा की बीज सेवा वासना की प्रवृत्ति हृदय में आएगी, तब जो है द्वितीय साधु संग शुरू होगा और उस साधु संग में भजन की शिक्षा प्रणाली प्रारंभ होगी, तब जो है भजन क्रिया प्रारंभ होगी, लेकिन ये भजन क्रिया अभी अनिष्ठता होगी। अब उसके बाद जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तब जो निष्ठा है वो नैष्ठिकी भजन क्रिया है, और नैष्ठिकी भजन क्रिया करने पर क्या होगा, रोचकता आएगी, स्वाद आने लगेगा, यद्यपि बुद्धिपूर्वक होगा स्वाद कि नहीं भाई भगवान की शरण लेनी चाहिए, संसार में बहुत दुख है, वैष्णवों की संस्कृति में बड़ा सुख है, भगवान की सेवा में बड़ा आनंद है, और भगवान कई बार आके हमारे आंसुओं को पोंछते भी हैं, इन प्रकार की बुद्धि वृत्ति के द्वारा रुचि तो उदित होगी, लेकिन ये रुचि किसमें उदित होगी, भक्ति के अंगों में होगी, भजनीय भगवान में ज्यादा नहीं होगी, लेकिन भक्ति के अंगों का पालन करते करते यही रुचि भजनीय भगवान में हो जाएगी, और उसी को हम लोग आसक्ति कहते हैं, और आसक्ति के बाद जो है कृष्ण का भाव उदित होगा, कृष्ण के प्रति भाव उदित होगा, कृष्ण के परिकरों के प्रति भाव उदित होगा, और आत्मा रूपी दर्पण में कृष्ण और परिकर ऐसे प्रतिबिंबित होने लगेंगे कि वो साक्षात हमारे को हमारा दिग्दर्शन कर रहे हैं, ये भाव की स्थिति है। अब बात आती है बाबा जी संप्रदायों की, तो वहां पर कोई भी जाता है तो उनसे ये कहा जाता है कि भाई जब तक तुम्हारा स्वरूप ही तुम्हें मालूम नहीं तो तुम साधन किसका करोगे, इसलिए वहां पर स्वरूप पहले दे दिया जाता है, अवस्था बता दी जाती है और मंजरी आदि का नाम रख दिया जाता है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि नहीं, सिद्धि की प्रणाली ये नहीं है, सिद्धि की प्रणाली क्या है, आदो श्रद्धा तत् साधु संग तत् भजन क्रिया, पहले आप साधु संग करेंगे, साधुओं के मुख से निस्सृत जो वाणी है उसका श्रवण करेंगे, वस्तु तो कृष्ण प्रेम है, लेकिन जैसे एक कंप्यूटर में सारा डेटा भरा हुआ है एक वस्तु के रूप में, किंतु उसको खोलने के लिए क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए, वही गुरु निश्चित जो वाणी है वही कृपा है, वही पासवर्ड होकर के इन सब रहस्यों के ऊपर से क्रम से पर्दा उठाएगी, और आपकी जो है कृष्ण में नैष्ठिकी भजन क्रिया प्रारंभ होगी, उसके प्रसाद जो रुचि होगी वो रुचि आसक्ति में परिणित होगी, और तब जा करके भाव उदित हो जाएगा। ये कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं है, इसमें आपको स्वयं माली बनना पड़ेगा, कह रहे ना रूप गोस्वामी माली हो या करे सही बीज आरोपण और श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन जले कराए सिंचन, देखो फिर भगवान ने आपके सिर पे ही डाल दी सारी जिम्मेदारी, कृपा गुरुदेव की है, वैष्णवों की है, भगवान की है, लेकिन माली कौन है, माली हम स्वयं हैं।
जरा सी उत्साह में कमी आई और भजन धड़ाम होके नीचे। आज प्रभु जी ने गाया जंगली रूप शरीर न धारत, पहले कृष्णदास जी गाते थे, बड़ी अच्छी धुन थी, बोल की तरफ तो बाद में ध्यान जाएगा, पहले संगीत की तरफ ध्यान जाता है। मिश्री तभी आस्वादन कर पाएंगे हम के जब जीव उसको आस्वादन करने का बल होगा। अगर जीव पे पितरस इकट्ठा है, पीलिया हो रखा है, तो मिश्री का आस्वादन नहीं होगा। लेकिन कृष्णदास जी जिस तरीके से गाते थे बड़ा आनंद आता था, कुछ प्रेरणा होती थी। लेकिन अब पता लग रहा है कि हमारे पास बल नहीं है, बोल तो वही है, जंगली रूप शरीर न धारत है, लेकिन अब वो आनंद नहीं आ रहा, वो किस लिए नहीं आ रहा कि हमारी आसक्ति कहीं और है। इसीलिए गुरु वैष्णवों के चरणों में निवेदन है, गुरुपाद पद्म के चरणों में निवेदन है कि हमें वो शक्ति प्रदान करें कि हम मिश्री का सब अवस्थाओं में आस्वादन कर सकें और क्रम से साधन में बढ़ते बढ़ते वैष्णव अपराध से बचते हुए भगवान के चरणों में शरणागति करें, भगवान के प्रति हमारा भाव उदित हो और वही भाव गाढ़ा हो करके प्रेम भक्ति में परिणित हो जाए। यही कह करके मैं अपनी वक्तृता समाप्त करता हूँ। गौर प्रेमानंदे। आप लोगों ने श्रवण किया हमारे गुरुजन के प्रिय भक्त कनिका प्रभु इधर है, मैं इनसे अनुरोध करता हूँ ठाकुर जी का वंदन कर दीजिए। मैं इनसे बोलिए श्री राधा दामोदर लाल जी, गोस्वामी पाद जी, भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी पाद की, सुगंध स्वामी माधव गोस्वामी पाद की, समस्त सन्यासीगण समस्त भक्तवृंदों को मेरा प्रणाम। बीच में दर्शन करिए, श्री राधा दामोदर लाल है, बाई तरफ श्रीमती राधा रानी है, दाई तरफ ललिता सखी है। ये समक्षीर गोस्वामी जी के ठाकुर है जिनका ये मंदिर है। टोल में जो बड़े ठाकुर है, नाम है राधा वृंदावन चंद्र, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। उनके बगल में एक और ठाकुर है राधा छल चिकन, गुरुगर्भ गोस्वामी जी के ठाकुर, जो छह गोस्वामी से पहले श्रीधाम वृंदावन में आए थे। चार गोस्वामी जी के चार ठाकुर इस मंदिर में हैं। एवं यहाँ विशेष दर्शन है गिरी गोवर्धन शिला, सनातन गोस्वामी पाद, उनका नित्य नियम था वह वृंदावन से गिरी गोवर्धन पैदल परिक्रमा देने जाते थे। सात कोस आना, सात कोस जाना, सात कोस की परिक्रमा देना, उसके बाद वृंदावन धाम में आकर के वह जल ग्रहण करते थे। जब बहुत वृद्ध अवस्था हो गई, एक दिन जंगल में व्याकुल होकर थक कर बैठ गए, तो भगवान ने स्वयं बाल गोपाल रूप में दर्शन देकर बोले कि सनातन आप बहुत वृद्ध हो चुके हो, परिक्रमा देने में असमर्थ हो, रहने दो। सनातन गोस्वामी पाद बोले प्रभु जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मेरे सांसों में सांस है, तब तक मैं परिक्रमा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भक्त का भजन ही भगवान होता है। तो भगवान ने कृपा करके वंशी की ध्वनि करके उनको गिरी गोवर्धन शिला दी, जिसमें भगवान के साक्षात दाहिने चरण चिन्ह, गौखुर गाय के चरण चिन्ह, लकुटी गाय चराने की लठिया और वंशी, ये चार चिन्ह देकर बोले इसको श्री राधा दामोदर मंदिर में रख करके इसी की चार बार परिक्रमा देने से गिरी गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। भगवान के श्रीमुख के आदेश अनुसार इस मंदिर की जो कोई चार बार परिक्रमा करता है, गिरी गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए राधा दामोदर लाल की, गिरिराज महाराज की, शिल रूप गोस्वामी तिरुभाव महोत्सव की, शिल रूप गोस्वामी तिरुभाव महोत्सव की, आज के आनंद की, आनंद कंद नंद की, जय जय श्री राधे। निताई गौरा।